मोमबत्ती ये एक छोटी सी चीज है, पर आपको शायद पता नहीं कि आपके घरों में रखी वो छोटी सी मोमबत्ती आपके मन और दिमाग को कितना फायदा पहुंचा सकती है। जब आप मोमबत्ती को देखते हो तब आपके दिमाग में बहुत कुछ होना शुरू हो जाता है। एक मोमबत्ती के प्रकाश में असल में बहुत शक्ति होती है, जिसका इस्तेमाल आप अपने जिंदगी में अपने फायदे के लिए कर सकते हो। कैंडल गेजिंग यानी त्राटक एक ऐसी चीज है जो आपके आंखों की रोशनी तो बढ़ाती ही है, पर ये रोशनी वाली बात तो सिर्फ एक ट्रेलर था, फिल्म आज दिखने वाली है आपको। इसके जो असल फायदे हैं उन्हें सुनकर आप भी चौंक जाओगे। दिमाग के कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि आप अपने दिमाग की 80% शक्तियों को उन चीजों को सोचने में लगाते हो जिसकी आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं, जिसे सामान्य तौर पर ओवरथिंकिंग कहा जाता है। आप ओवरथिंकिंग से तभी छुटकारा पा सकते हो जब आप अपने दिमाग को शांत होना सिखा दो। शांत दिमाग से आप अपने किसी भी काम को अच्छे से कर सकते हो, और यही शांत दिमाग त्राटक का एक बहुत बड़ा फायदा है। त्राटक से आपका दिमाग काम होता है, दिमाग में चलने वाली आवाज बहुत कम हो जाती है। त्राटक एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है एक जगह पर ध्यान लगाना। त्राटक एक बहुत पुराना तरीका है। त्राटक से आपके मन और आपके शरीर के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। आप अपने मोमबत्ती को अपने आप से 1.5 यानी डेढ़ हाथ की दूरी पर रख लेना। ज्यादा ऊपर या ज्यादा नीचे मत रखना, ऐसे जगह पर रखना जहाँ पे आप आराम से देख पाओ। फिर उसे लगातार देखना शुरू करना, जितनी देर तक लगातार देख सको देखते रहना। देखने के दौरान आपके आंखों में भी पानी आ सकता है, पर वो बिल्कुल नॉर्मल है। यही है वो चमत्कारी चीज जो बहुत आसान है और बहुत लाभदायक भी। त्राटक से आप अपने अंदर की पोटेंशियल यानी काबिलियत को जागृत कर सकते हो। इसे हजारों सालों से बड़े बड़े महापुरुषों ने आजमाया है। डेली अगर आप 5 मिनट भी त्राटक करोगे ना, तो कुछ ही दिनों में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपके ऐसे ऐसे सकारात्मक अनुभव होंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। त्राटक की जो सबसे प्रसिद्ध लाभ है वो है कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ना, यानी ध्यान लगाने की शक्ति। आपके ध्यान लगाने की शक्ति बढ़ेगी तो आपके काम करने की शक्ति भी बढ़ जाती है। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन पावर ध्यान लगाने की शक्ति बहुत जरूरी है। त्राटक की शुरुआत ही ध्यान लगाने से होती है। त्राटक में आप एक चीज को लंबे समय तक देखते हो। लंबे समय तक देखने से आपके एक ही चीज को बहुत देर तक देखने की आदत पड़ने लगती है, और फिर वही आदत आपके बाकी कार्यों में भी लागू होने लगती है। जैसे अगर आप एक स्टूडेंट हो तब आपको पढ़ने में कॉन्सेंट्रेट करने यानी ध्यान लगाने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, और आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ोगे तो उसमें खो जाओगे और आप बिना किसी रुकावट के लंबे समय तक पढ़ पाओगे, और वो भी बिना किसी थकावट के। एग्जाम यानी परीक्षा में आप उसे अच्छे से रिकॉल कर पाओगे, यानी उस चीज को लिख पाओगे, और इसके चलते आपको जिंदगी के हर फील्ड में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। कोई भी काम आप जब करते हो तब उसमें आपको दिमाग की शक्ति के जरिए इनपुट देना होता है, और फिर जिस ऊर्जा के स्तर पर आप काम करते हो यानी इनपुट देते हो, उसी के हिसाब से आपको आउटपुट यानी उसका परिणाम मिलता है। तो आप कितनी देर तक अपनी ऊर्जा किसी काम में दे पा रहे हो ये आपके ध्यान की शक्ति पर ही निर्भर करती है। आपके दिमाग में इंटेलिजेंस पावर यानी बुद्धि, स्मरण शक्ति यानी मेमोरी, ये सब होती है ना, तो इसमें एक और चीज होती है जिसे क्रिएटिविटी पावर कहते हैं। इसका मतलब होता है रचनात्मक शक्ति। त्राटक से आपकी रचनात्मक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। जिंदगी के किसी भी फील्ड में आपको रचनात्मक शक्ति की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। आप चाहे कोई भी चीज करें, आप हमेशा अपनी क्रिएटिविटी यानी अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल करते हो। किसी भी प्लान यानी योजना को जब आप अपने दिमाग में बनाते हो तब आप उसे अपनी असल जिंदगी में कितना सच कर पाते हो और कितना नहीं, ये आपके रचनात्मक शक्ति का लेवल बताता है। मतलब अगर आप अपने दिमाग में कुछ प्लान करते हो और फिर उसे असल जिंदगी में पूरा नहीं कर पाते हो, इसका मतलब आपके अंदर रचनात्मक शक्ति कम है। हर इंसान में वो अलग अलग होती है, तो इस शक्ति को बढ़ाने का सबसे सफल तरीका है त्राटक।
जो लोग मेडिटेशन यानी ध्यान को सालों से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, उन लोगों का ये मानना है कि त्राटक से आप अपनी थर्ड आई यानी आपकी तीसरी आंख खुलने लगती है। जब भी मैं तीसरी आंख जैसी कोई चीज के बारे में बोलता हूँ, तब कुछ लोगों को ये लगता है कि अरे किस जमाने में जी रहा है तू यार। अरे भाई, मैं भी सो कॉल्ड 21st सेंचुरी में रहने वाला इंसान हूँ, मैं भी इस दुनिया का टेक इस्तेमाल करता हूँ, पर ये जो चीजें है ना आपके शरीर में, ये सच में होती है। और मैं इन सब चीजों पर ऐसी ही रिसर्च नहीं करता, मुझे पता है कि आपको इससे जरूर फायदा होगा, इसलिए मैं ये सब करता हूँ। प्रोडक्ट से आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर और लॉजिकल पावर यानी किसी भी चीज को समझने की शक्ति और तर्क करने की शक्ति बढ़ जाती है। सबसे लॉजिकल सब्जेक्ट मैथ्स यानी गणित में भी आपको सब कुछ पूरी तरह से समझ आने लगता है। एक लाइन में बोलूं तो सीधी सीधी बात है कि अगर आप एक स्टूडेंट हो, एक विद्यार्थी हो, तब आपके लिए ये करोड़ों रुपए के बराबर है। आपके अंदर की जो इमोशंस है, जो भावनाएं हैं, वो आपके जिंदगी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। भावनाएं तब तक ठीक होती है जब तक वो एक लिमिट यानी एक सीमा के अंदर हो, पर इमोशंस जब हद से ज्यादा होने लगती है तब ये आपके लिए एक समस्या बन जाती है। और त्राटक से आप यही इमोशनल कंट्रोल पाते हो, जिसके चलते आप अपने भावनाओं को अपने काबू में करने में कामयाब रहते हो, उसे आप आराम से कंट्रोल यानी नियंत्रण कर लेते हो। त्राटक आपको रिलैक्स करती है। जब भी काम की प्रेशर के चलते आपको दिमागी थकान होने लगे, तब 2 से 3 मिनट की त्राटक भी आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकती है। आपका दिमाग एकदम पीसफुल यानी शांत होता है जब आप उस मोमबत्ती की रोशनी को देखते हो। त्राटक का सबसे बेस्ट फायदा जो आपके सबसे काम की है और जिसे पाने के लिए लाखों लोग लाखों तरीके अपनाते हैं, वो है मेमोरी पावर यानी स्मरण शक्ति। स्मरण शक्ति का इस्तेमाल भी जिंदगी के हर कोने में होता है। उस मोमबत्ती को देखने समय आपका दिमाग बिल्कुल एक जगह पे होता है और उसी समय आपके दिमाग के अंदर के न्यूरॉन्स रिपेयर होने लगते हैं, मजबूत होने लगते हैं, जिसके चलते आप किसी भी चीज को बहुत दिन तक याद रख पाते हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और ऐसी और रोचक वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।